कोरोना का खौफ आज पूरे विश्व में मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। एक ऐसा वायरस जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, आज और पूरी दुनिया में यह वायरस बेलगाम होता जा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी उत्कृष्ट है, क्या कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए ये सेवाएं कितनी प्रभावशाली हमारे देश में है। ये पूरी जानकारी नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ जिसमें सहयोग लिया गया है द वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें राज्य भर हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कितनी सुदृढ़ हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, और आपको बताएंगे कि हिमाचल स्वास्थ्य सेवाओं में कौन से स्थान पर है। साथ में बात करेंगे कि इटली जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं देने वाला देश भी इस वायरस की चपेट में कैसे आ गया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले पूछ लेते तो बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा, शायद कोरोना वायरस भी आपसे ही कह रहा है कि मेरा इलाज बहुत आसान है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, काफ़ी पुरानी कहावत है। आप लोग सिर्फ इतना कीजिए, स्टे होम सेव लाइफ, नथिंग एल्स, बाकी सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन यदि आपकी लाइफ चली गई तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टे होम सेव लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं, मैंने आपको कहा कि आज इस वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, और सबसे पहले देखिए जो आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये नीति आयोग द्वारा जब हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था जून 2019 में, तो इस इमेज के साथ में किया गया था। शायद जब इंडेक्स जारी किया होगा तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस इंडेक्स के आधार पर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का कोरोना जैसे महामारी के साथ में कंपेरिजन किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का एक अथॉन्टिक इंस्टीट्यूशन है जो कि विभिन्न तरह के क्षेत्रों में सरकार के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करने का काम करता है। तो नीति आयोग द्वारा जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट को टाइटल किया गया था हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स ऑन द रैंक ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपके लिए एक प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो नीति आयोग है किसके सहयोग से हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा द वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सबसे पहले इस इमेज को समझ लीजिएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है इस वीडियो को अंत तक पूरा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे उत्कृष्ट यदि हम बात करें, टॉप 5 भारत की स्टेट्स की बात करें जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बेहतरीन है, तो उसमें केरला का नंबर आता है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात, और फिर यदि बात करें तो फिर हमारा हिमाचल प्रदेश है। यदि हम बॉटम से बात करें तो सबसे खराब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, इसके बाद छोटे राज्यों की बात करेंगे, उसके बाद हम यूनियन टेरिटोरीज की बात करेंगे, उसके बाद कोरोना वायरस के साथ में कंपरेटिव स्टडी को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बॉटम 5 मतलब भारत में जो सबसे बदतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भारत का सबसे पॉपुलेटेड राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, राजस्थान है, उसके बाद बिहार है, उड़ीसा है, और मध्य प्रदेश है। क्विक सी समरी थी आप लोगों के लिए, आपको बता दें आप हमारी वेबसाइट पे जाएं illustudyco.in पे, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, इसका लाभ आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। देखिए लार्जर स्टेट्स की बात की जाए, देखिए मैंने कहा इंडेक्स 3 तरह से पब्लिश किया गया है, बड़े स्टेट्स ली गई है, दूसरी तरफ उसके बाद फिर छोटे राज्य लिए गए हैं, और तीसरी तरफ यूनियन टेरिटोरीज को लिया गया है। तो बड़े राज्यों में यहाँ पे देखिए यदि हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा, मैंने आपको कहा तो केरला काफी उत्कृष्ट है इसमें, ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, फिर हिमाचल प्रदेश की बारी आती है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, और उसके बाद फिर देखिए सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश। अब छोटे राज्यों की बात भी कर लेते हैं,
देखिए छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे बेस्ट है हेल्थ सर्विसेज में। उसके बाद बात करेंगे मणिपुर, मेघालय, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और नागालैंड की बारी आती है। यदि बात करें यूनियन टेरिटोरीज की, तो सबसे बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जा सकती है उसमें चंडीगढ़ है, उसके बाद दमन एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीप। सब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बाद, आपको मैं बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे कोरोना वायरस को लेकर। इटली की बात कीजिएगा, यदि आप लोग देखिए यहाँ पे थर्ड वीक में, यहाँ पे देखिए पहले वीक में देखिए 3 थे, 152 हो गए, थर्ड में कितने केसेस दर्ज किए गए, 1036 किए गए, उसके बाद देखिए 6000 को आंकड़ा पार कर जाता है, और उसके बाद देखिए 59, यानी आप ये मान के चलिए कि 60000 लोग देखिए पांच कितनी तीव्र गति से एक बार बढ़ा भी, इसके आगे की इमेज तो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, ईरान में भी देखिए वैसा ही हाल हुआ है, लेकिन वी आर सो लक्की, आप हमारी कंट्री में देखिए तीसरा वीक है अभी कोरोना वायरस को लेकर और संख्या 415 है। यदि हम लोगों ने यहाँ पे इसको रोक लिया, वी विल सेफ, हम सेफ हो जाएंगे। यदि यहीं पे गड़बड़ कर दी तो हमारी कंट्री में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लोग होंगे वो भारत में ही हो सकते हैं। आइए बात करते हैं ये बात आपसे क्यों कही जा रही है। इटली की बात की जाए तो वर्ल्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में जो इटली का स्थान है नंबर 2 पे आता है, भारत की बात करें तो 102 नंबर पे है। और आप बात कीजिए, इटली की पॉपुलेशन बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन 141 का आंकड़ा पार, 131 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो देखिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे, जो देखिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, रेलवे, बस से, हवाई सेवाएं सबको बंद किया गया है, देश के करीब 548 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो होगा, यदि आप लोग समझे स्टेप से। देखिए दुनिया में बहुत सी बीमारियां होगी जिनके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप घर बैठे ही रोक सकते हैं, बस एक व्यक्ति की गलती पूरी मानव जाति को खतरे में ला सकती है। देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बाद में करेंगे, पहले आपको बता दूं कि देखिए प्लास्टिक में ये कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हमारे पास आंकड़े उसके साथ में आपको हम गाइडलाइंस दे सकते हैं। प्लास्टिक पे ये जो कोरोना वायरस है 5 दिनों तक रहता है, पेपर की बात करें 4 से 5 दिनों में, ग्लास के ऊपर 4 डेज में, एल्यूमिनियम के ऊपर 2 से 8 घंटे में, सर्जिकल ग्लोव्स के ऊपर 8 घंटे के ऊपर, स्टील के ऊपर 48 आवर्स, लकड़ी के ऊपर 4 घंटे तक के वायरस रहता है। कोरोना वायरस को इस तरह पहचाने, बुखार, जुकाम, खांसी और कफ, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी इसके लक्षण है। देखिए 2 दिनों से 14 दिनों के भीतर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, ये बातें WHO के द्वारा बताई गई है। और देखिए इसकी चपेट में आने के लिए तेज बुखार, तेज सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना, फेफड़ों की सूजन या निमोनिया, किडनी फेल और मौत, अधिकांश मामलों में कोरोना धीमी रफ्तार से आता है, बाद में तीव्र हो जाता है। तो इन चीज़ों को से भी आप इस वायरस को पहचान सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार और DC मंडी के द्वारा काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक इमेज जारी की गई, जिसमें कहा गया है नमस्ते मीन्स 1 मीटर तक का डिस्टेंस आप लोग बना के रखिए, कोई आपको शेक हैंड करने की जरूरत नहीं है, गले मिलने की आवश्यकता नहीं है, नमस्ते कहें यदि आपको कहना, अदरवाइज आप इन चीज़ों को भी अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में, यदि पूरे भारत की बात करें 433 मामले दर्ज हो चुके हैं, 24 मरीज, एक अच्छी खबर भी है, 24 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने का कारण क्या, आपको पता है कि इसकी दवाई कोई नहीं है, लेकिन यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो आप इसे और भी बेहतर कर सकते हो। 8 मौतें भारत में दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे कोरोना वायरस की चपेट सबसे ज़्यादा है, करीब 74 केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपैरेटिव स्टडीज की करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाई थी, यदि आप इस इमेज में आ जाएं तो यहाँ पे देखिए, यदि आप लोग बात करेंगे इस इमेज पे चलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए काफ़ी बेहतरीन इनका इंडेक्स है। यहाँ पे आपको मैं जूम करके बता देता हूँ, महाराष्ट्र में 61.07 तक इनका जो स्वास्थ्य रैंकिंग है उसमें इनका प्लेस रहता है। और देखिए सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में है। केरला की बात करें, भारत में सबसे जो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो कहाँ पर है, केरला में है, लेकिन कोरोना वायरस की चपेट में केरला दूसरे नंबर पर है। 67 लोग केरला में इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कर्नाटका में 33, पंजाब में 21, और पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कर्फ्यू लगा दिया है इस महामारी से बचने के लिए। अपने 22 के 22 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, किसी भी तरह की कोई भी मानव गतिविधि वहां पे नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज।
कर्नाटका की बात करें 33, यूपी की बात करें 31, गुजरात की बात करें 29, दिल्ली की बात करें 29, एचआर हरियाणा की बात करें 26, राजस्थान में 28, बिहार में 2 केस। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे जो है, बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में बहुत ही कम लोग है, अभी 2 ही लोग है। आपको पता है बिहार में शिक्षा का रेट भी इतना अच्छा नहीं है, यदि बिहार यूपी जैसे पॉपुलेटेड स्टेट्स में ये वायरस कहीं बेलगाम हो गया तो शायद मानव जाति को बचाना ही मुश्किल होगा। तो आप लोगों से पुनः वही गुजारिश रहेगी कि आपके पैरों में जो चक्री लगी हुई है इसे थोड़े दिनों के लिए थमा दीजिएगा, रुक लीजिएगा अपने घरों में, कुछ भी का नहीं बिगड़ने वाला है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही आपके पास एक हथियार होगा। और जो हिमाचल प्रदेश या विभिन्न तरह के कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, उनके लिए भी कहना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट, हमारी यूट्यूब चैनल की पूरी के पूरी टीम आपको काफी बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवा रही है। सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो घर बैठे मिल रहा है, उसका नियमित रूप से अध्ययन करें। बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के कंपिटेटिव एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। और आप हमारे हार्ड कॉपी के प्रोडक्ट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको डिलीवर तभी होंगे जब सरकार की तरफ से कुछ सेफ एडवाइजरी जारी होगी, तभी हम इनको आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन हम आपका ऑर्डर पैक करके रख देंगे, जैसे सेफ एडवाइजरी होगी उसी दिन इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से सारे के सारे हार्ड कॉपी के ऑर्डर आप तक पहुंच जाएंगे। हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन काफी बेहतरीन किताब है, इस किताब को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा का आयोजन भी होना था, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कोरोना वायरस के कारण परीक्षा कहां पर जाती है। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ में एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में एक बुक आई है। यदि आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपको यूट्यूब पे पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा, एचएस की परीक्षा की यदि बात करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, इसका लाभ भी आप लोग जरूर उठाएं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जो जो प्रोडक्ट आपके काम के हैं पिछले 2 वर्ष के करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी उपलब्ध है। अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें भी सॉफ्ट फॉर्म में लॉन्च की गई है, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने घरों में ही रुके रहे, स्टे होम सेव लाइफ। थैंक यू वेरी मच।